Hello humankind, hope you all are fit and fine. The Phytoplankton Academy welcomes you all. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10, 8th स्टैंडर्ड सोशल साइंस एनसीईआरटी। चैप्टर का नाम है लॉज एंड सोशल जस्टिस। तो बच्चों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट लॉज की, जिनसे होता है सोसाइटी को न्याय। तो किस तरीके से गवर्नमेंट को लॉज बनाने चाहिए और सोसाइटी को इंसाफ मिलना चाहिए। देखिए बच्चों, आपको एक स्टोरी याद होगी, शर्ट की स्टोरी पढ़ी थी हमने 7th स्टैंडर्ड में, और वहाँ पे बात की थी कि चेन ऑफ मार्केट लिंक्स होती है प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन एंड द बायर ऑफ द शर्ट। कि जब एक शर्ट प्रिपेयर होती है कॉटन की, तो वो कैसे प्रिपेयर होती है, पहले जो कॉटन क्रॉप्स होती हैं, स्मॉल फार्मर्स को ग्रो कराता है कॉटन क्रॉप को, उसमें बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट करना पड़ता है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, उसके बाद उसकी हार्वेस्टिंग होती है, देन एट द एंड उसको जो फैक्ट्री के अंदर शर्ट को प्रोड्यूस कर रहा होता है, कपड़े को प्रोड्यूस कर रहा होता है, वो उसको बाई करता है। उसके बाद जब वो शर्ट प्रोड्यूस हो जाती है तो सुपर मार्केट के अंदर आके जो मार्केट होती हैं वो उनको बाई करते हैं, तो उसके बाद उसको जो भी पर्सन जिसको चाहिए होती है वो बाई करता है। तो ये जो बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस है बच्चों, ये एवरी स्टेप्स पर मिलेंगे आपको इस चैन के। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि मेनी ऑफ द पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द शर्ट। कितने सारे लोग इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो स्मॉल फार्मर है जो कि कॉटन को प्रोड्यूस कर रहा है, वीवर्स ऑफ द ईरोड और द वर्कर्स इन द गारमेंट्स, एक्सपोर्टिंग द फैक्ट्री, इतने सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं और ये कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन फेस करते हैं, अनफेयर सिचुएशन फेस करते हैं मार्केट के अंदर। ऐसा क्यों होता है? हो सकता है कि जो फार्मर है स्मॉल फार्मर, वो क्रॉप को प्रोड्यूस करा रहा है और उसको जितना अमाउंट मिलना चाहिए इतना अमाउंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो फैक्ट्री वाला उसको ले रहा है प्रोडक्शन के लिए वो कम पगार उसको पे कर रहा है, ठीक है, कम पैसा दे रहा है उसकी क्रॉप का। या फिर मार्केट के अंदर हम देखते हैं तो अलग अलग तरीके से ज़्यादातर लेवल्स पे अनफेयर सिचुएशन देखने को मिल जाती हैं। द मार्केट्स एवरीवेयर टेंड्स टू बी एक्सप्लॉयटेटिव द पीपल्स वेयर इज वर्कर्स कंज्यूमर्स और द प्रोड्यूसर। तो मार्केट्स के अंदर भी हम ये पीपल्स का एक्सप्लॉयटेशन होते हुए देखते हैं, चाहे वो वर्कर्स हों, कंज्यूमर्स हों या फिर प्रोड्यूसर्स हों। टू प्रोटेक्ट द पीपल्स फ्रॉम सच एक्सप्लॉयटेशन द गवर्नमेंट मेक्स सर्टेन लॉज। इन एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए गवर्नमेंट कुछ लॉज बनाती है। दीज लॉज ट्राई टू एंश्योर दैट अनफेयर प्रैक्टिसेस आर केप्ट एट द मिनिमम इन द मार्केट। देखिए बच्चों, गवर्नमेंट जो लॉज बनाती है वो क्या करती है, ये लॉज बनाती है, वो कोशिश करती है कि एंश्योर कर सके जो मार्केट के अंदर अनफेयर प्रैक्टिस हो रही है, गलत काम हो रहे हैं, गलत तरीके से सामान को बेचा जा रहा है, ज़्यादा अमाउंट में बेचा जा रहा है, उन अनफेयर प्रैक्टिसेस को मिनिमम कर सके। समझ रहे हो बात को, मिनिमम, ख़त्म करने की बात नहीं हो रही, मिनिमम कर सके, कम से कम कर सके मार्केट्स के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे फार्मर्स की पिक्चर दिखाई गई, ये फार्मर्स एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन सारी फैक्ट्रीज को खड़ा करने के लिए, लेकिन इनको क्या मिलता है वो आप जानते हैं, और इनको क्या मिलता है वो भी आप जानते हैं। नाउ लेट्स टेक ए कॉमन मार्केट सिचुएशन वेयर द लॉज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक छोटी सी मार्केट सिचुएशन लेते हैं, दिस इज़ द इशू ऑफ द वर्कर्स वेजेस। यहाँ पे हम वर्कर्स के वेज की बात कर रहे हैं, कितना पैसा का पगार उसको पर डे मिल रही है। प्राइवेट कंपनीज की बात करें, कॉन्ट्रैक्टर्स की जो हायर करते हैं लेबर्स को, बिजनेस पर्सन्स की बात करें, दे नॉर्मली वॉन्ट टू मेक एज मच प्रॉफिट एज दे कैन। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट वो कमाना चाहते हैं। इन द ड्राइव ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के चक्कर में बच्चों वो क्या करते हैं, दे माइट डिनाई वर्कर्स देयर राइट। वो वर्कर्स के राइट को, जो लेबर्स होते हैं, मजदूर होते हैं, उनके राइट्स को डिनाई कर देते हैं एंड नॉट पे देम वेजेस, और उनको सही वेजेस पे नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पर, इन द आइज ऑफ द लॉ इट इज़ इलीगल, कानून की नज़र में तो ये गलत है, रॉन्ग है, इलीगल भी है टू डिनाई द वर्कर्स देयर वेजेस। सिमिलरली टू एंश्योर दैट वर्कर्स आर नॉट अंडर पेड और पेड फेयरली, देर इज़ अ लॉ ऑन मिनिमम वेजेस। तो इस सारी सिचुएशन को एंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक मिनिमम वेजेस का लॉ लेकर आई है कि जो वर्कर्स हैं, जिनका जितना वो काम करते हैं तो उनको कुछ मिनिमम वेज मिलना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर 600 रुपये की पर डे की उनको मजदूरी मिलनी चाहिए। मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ पे कैसा होता है, तो एटलीस्ट इससे कम ना हो, 600 से कम ना हो, ठीक है, इसीलिए कहा गया मिनिमम वेजेस। अब वर्कर्स हैज़ टू बी पेड नॉट लेस देन द मिनिमम वेजेस बाय द एम्प्लॉयर्स। एक वर्कर को उसके एम्प्लॉयर के जरिए इससे कम अमाउंट पे नहीं किया जा सकता। ये है गवर्नमेंट का कानून, मिनिमम वेजेस एक्ट। द मिनिमम वेजेस आर रिवाइज आफ्टर अपवर्ड्स एवरी फ्यू ईयर। जैसे महंगाई बढ़ रही है उसके हिसाब से कुछ कुछ सालों के बाद ये वाला जो एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट, जो कानून है गवर्नमेंट का, ये रिवाइज होता रहता है। क्योंकि पहले आई थिंक 400 था जो मिनिमम वेजेस में था, अब 600, और अभी मुझे पता नहीं क्या चल रहा है। एज विद द लॉज ऑन द मिनिमम वेजेस विच इज मीन्ट टू प्रोटेक्ट वर्कर्स, देर आर ऑल्सो लॉज दैट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स इन द मार्केट। बच्चों ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ लेबर्स की बात की जा रही है, जो मिनिमम वेजेस एक्ट है उसमें सिर्फ वर्कर्स को ही प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा,
उसमें बच्चों जो प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है। वो कैसे? अब मान लीजिए कि वर्कर्स बिना किसी बात के, जब तक एक्ट है, एक्ट के थ्रू आप उनको एग्जाम्पल के तौर पर 600 पर डे दे रहे हो, ओके ना, और वो किसी भी बिहाफ पर कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, कोई आपके काम को छोड़ के जाने का डायरेक्टली कोई वजह नहीं बता सकते, क्योंकि एटलीस्ट उनको मिनिमम अमाउंट तो मिल रहा है ना। तो इस वजह से इसमें सिर्फ वर्कर्स का ही फायदा नहीं है, एक बैलेंस सिचुएशन क्रिएट करी जा रही है गवर्नमेंट के जरिए, और उसमें प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स सबका फायदा हो रहा है मार्केट में, क्योंकि उनका भी सस्टेनेबल लिविंग चल रही है, वर्कर्स की भी एंड प्रोड्यूसर्स का भी काम हो रहा है। नाउ दीज हेल्प एंश्योर दैट द रिलेशंस बिटवीन दीज थ्री पार्टीज, द वर्कर्स, कंज्यूमर्स एंड द प्रोड्यूसर्स, आर गवर्न्ड इन मैनर दैट इज नॉट एक्सप्लॉयटेटिव। तो गवर्नमेंट जो ये मिनिमम वेजेस एक्ट लेकर आई थी, इसका काम ये था कि सब में बैलेंस सिचुएशन क्रिएट रहे, किसी के बीच में भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो, किसी का भी नुकसान ना हो। नाउ यू कैन सी हेयर वर्कर्स इन द टेक्सटाइल मिल इन द अहमदाबाद, तो यहाँ पे क्या हुआ, दे आर फेसिंग ग्रेटर कॉम्पिटिशन फ्रॉम द पावर लूम्स, क्योंकि ये पावर लूम से जो काम होने लगा, पहले तो लेबर्स हाथ से काम करते थे, अब इससे काम होने लगा, तो इन लोगों को फेस करना पड़ रहा है ना। नाउ अ मेजोरिटी ऑफ द टेक्सटाइल मिल्स क्लोज डाउन ड्यूरिंग द 1980s एंड 90s, पावर लूम्स आर द स्मॉल यूनिट्स विद 4 to 6 लूम्स, द ओनर्स ऑपरेट देम विद हायर्ड एंड फैमिली लेबर, इट इज़ वेल नोन दैट कंडीशन ऑफ द वर्क इन द पावर लूम्स आर फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो मशीन वर्क्स हो रहा है, उसकी वजह से भी लेबर्स को फेस करना पड़ रहा है। नाउ वी कैन सी हेयर इन दिस टेबल, यहाँ पे बच्चों क्या लिखा है कि इस टेबल में यहाँ पे लॉज दिए गए हैं, ये लॉज क्यों ज़रूरी हैं और इन लॉज से किसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होता है। एग्जाम्पल, अगर हम मिनिमम वेजेस एक्ट की बात करें, तो ये स्पेसिफाई करता है कि एक मिनिमम वेज मिलना चाहिए वर्कर्स को। तो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ज़्यादातर वर्कर्स के राइट को डिनाई किया जा रहा था एम्प्लॉयर्स के जरिए, लेकिन उन वर्कर्स को बैडली नीड होती थी, बहुत ज़रूरत होती थी काम करने की, उनके पास बार्गेनिंग पावर नहीं होती थी, तो इसीलिए उनको कम वेजेस पे ही काम करना पड़ता था। अब किसके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो रहे हैं? ऑफकोर्स यहाँ पे वर्कर्स के प्रोटेक्ट तो इंटरेस्ट होंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों अभी हमने पढ़ा कि कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स के इंटरेस्ट भी यहाँ पर प्रोटेक्ट होते हैं। आगे बात करते हैं, लॉ स्पेसिफाई दैट देयर बी एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स इन द वर्क प्लेस, फॉर एग्जाम्पल अलार्म सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिट, प्रॉपरली फंक्शनिंग मशीनरी। ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा लॉज है जो अलार्म सिस्टम की बात करता है, इमरजेंसी एग्जिट की बात करता है, आपने देखा होगा ना कि अगर हम प्लेन में भी जाते हैं, कहीं पर भी किसी भी ट्रैवल कर रहे हैं, इवन बस में भी इमरजेंसी एग्जिट लिखा होता है, ये किसके क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बच्चों अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो उस दौरान वहाँ पर जो भी लोग मौजूद होंगे उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरी है। अब इसमें किसके प्रोटेक्ट इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो रहे हैं? इसमें हमारे सबके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वर्कर्स हैं, मान लो किसी फैक्ट्री में, अगर हम आगे बात करेंगे तो वहाँ पर हम भोपाल गैस ट्रेजेडी की बात देखेंगे, तो वहाँ देखेंगे हम कि क्या हुआ था, वहाँ पर अलार्म सिस्टम नहीं था और गैस रिलीज होने लगी, वहाँ पर वर्कर्स ने कहा, लोगों को बताया जो वहाँ पर उनके हेड थे, लेकिन किसी ने एक्शन नहीं लिया, तो इसी वजह से अलार्म सिस्टम ना होने की वजह से इतना बड़ा हादसा देखने को मिला। अगर उसी से हम कंपेयर करें जो कि USA के अंदर फैक्ट्री है, द सेम फैक्ट्री दैट इज़ इन इंडिया, वो कि वर्जीनिया में है, तो उस फैक्ट्री के अंदर ये अलार्म सिस्टम मिलेगा और वहाँ पर लोगों को खुद से गैस नहीं करना पड़ता कि लीकेज हो रहा है, कोई नुकसान हो रहा है, कोई इंसिडेंट होने वाला है, बल्कि वो सिस्टम बता देता है, ठीक है नाउ। तो ये इसलिए ज़रूरी है। अगली बात करते हैं, द लॉज रिक्वायरिंग दैट द क्वालिटी ऑफ गुड्स मीट सर्टेन प्रेस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड, एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैव टू मीट सेफली स्टैंडर्ड। अब इस तरह के लॉज क्यों बनाए जाते हैं कि जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस है उनको गुड क्वालिटी का बनाना चाहिए? अब आपको पता है बच्चों कि अगर गरीब आदमी होगा तो उसके पास अगर वो इलेक्ट्रिसिटी हर घर में ज़रूरी है, आपको पता है, तो अगर वो इलेक्ट्रिक अप्लायंस लेकर जा रहा है और उसके ऊपर बेकार कोटिंग लगा दी उसके ऊपर और वो जल्दी से ख़राब हो गई और उसके बाद उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करने लगी और उसको टच किया और उसको नुकसान हुआ, तो आप सोचेंगे ना किस कदर कितनी बुरी तरीके से ह्यूमैनिटी ख़राब हो जाएगी, कितना लोगों का नुकसान होगा। तो इसलिए कि हर एक इंसान सेफ रहे, क्योंकि ये होती है बेसिक नीड्स, लाइट जो है आज के टाइम में बेसिक नीड है, तो कंज्यूमर्स माइट टू बी पुट रिस्क बाय द पुअर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट सच एज द इलेक्ट्रिक अप्लायंस, फूड मशीन, मेडिसिन, तो ये सारी चीज़ें बेहतर क्वालिटी की होनी चाहिए, इसलिए ये लोग बनाए जाते हैं। इसमें हम सबके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो रहे हैं। आगे बात करते हैं, द लॉ रिक्वायरिंग दैट द प्राइसेस ऑफ द एसेंशियल गुड्स आर नॉट हाई, एग्जांपल शुगर, केरोसिन, फूड ग्रेन्स। तो बच्चों ये क्या चीज़ें हैं? ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इनको हर आदमी को ज़रूरत होती है, वो गरीब हो, मालदार हो, मिडिल क्लास हो, कुछ भी हो, तो इसीलिए गवर्नमेंट के पास है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। तो यहाँ पर हम सब लोगों के
इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो रहा है और हमें यहाँ पे बात करनी है कि इंटरेस्ट ऑफ द पुअर्स विल बी अदरवाइज बी अनेबल टू अफोर्ड दीज गुड्स. अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो जो गरीब लोग हैं वो इस तरह की चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और अगर उनको ये बेसिक चीज़ें नहीं मिलेंगी तो उनकी लाइफ कैसे सर्वाइव करेगी. तो बच्चों ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, मतलब हमें यहाँ पर लिखना है कि ये क्यों ज़रूरी है और इस कॉलम में लिखना है कि किसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो रहा है. ये सारी चीज़ें आप देखें सब सिंपल है, नहीं समझ में आ रही तो आप मुझसे पूछें, मैं आपको बताऊँगी. आगे बात करते हैं. मेयरली मेकिंग लॉज इज़ नॉट इनफ. देखिए कानून बनाना ही काफ़ी नहीं है, उस कानून को गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि ये लॉज इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं या नहीं. दिस मीन्स दैट द लॉ मस्ट बी एनफोर्स्ड, एनफोर्स होना चाहिए. और ये एनफोर्समेंट बिकम्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन द लॉ सीक्स टू प्रोटेक्ट द वीक फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग. एनफोर्समेंट जब ज़्यादा ज़रूरी होता है जब हम किसी लॉ को वीक पॉइंट से स्ट्रॉन्ग की तरफ लेके जा रहे हैं. एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर अगर कोई लॉ ऐसा है जैसे कि हम एनवायरमेंट के लॉ की बात करें तो एनवायरमेंट का लॉ वीक चल रहा है कि हम एनवायरमेंट को नुकसान पहुँचा रहे हैं, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, कोई लॉ ही नहीं ना गवर्नमेंट का. उसके बाद हमें उसको स्ट्रॉन्ग तरीके से अप्लाई करना है. तो जो लोग इस तरह की एक्टिविटी कर रहे थे उनको तो आदत है ना सेम एक्टिविटी करने की, उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि हम कितने आसानी कितने कम लेवल पे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाएं. तो कहने का मतलब ये है कि जब लो वीक होता है और उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है उस दौरान ये ज़्यादा मुश्किल होता है एंड इम्पॉर्टेंट भी ज़रूरी होता है. ओके फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, टू एनश्योर द एवरी वर्कर्स वेजेस गेट्स फेयर वेजेस द गवर्नमेंट हैज़ टू रेगुलरली इंस्पेक्ट वर्क साइट, पनिश दोज हु वायलेट द लॉ. अब अगर हम वेजेस की बात करें तो अगर किसी इस वेजेस के लॉ को हमें बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, वीक टू स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंट करना है, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, रेगुलरली इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा साइट्स को कि कोई लॉ को वायलेट तो नहीं कर रहा. When the workers are the poor, powerless, the fear of losing future earning or facing reprisal often forces them to accept low wages. लेकिन जब जो गरीब लोग हैं वो powerless होते हैं, उनको डर होता है उनकी नौकरी ना छूट जाए, उनकी earning ना ख़त्म हो जाए, तो वो कम पैसों पर भी काम करने के लिए ready रहते हैं और वो government के सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखते. Now, the employers know this well that they use this their power to pay workers. और employers ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो अपनी power का इस तरीके से use करके उनको fair से कम amount देंगे और वो काम करेंगे, मजबूर होंगे वो काम करने के लिए. In such cases, it is crucial that laws are enforced. और ऐसी situation में बहुत ज़रूरी है कि laws को implement होना चाहिए. अब बच्चों आप सोचो कि आप अगर किसी power पे हो, आपने अगर किसी workers को hire कर रखा हो, तो फिलहाल आप जिस position पर हैं आप सोच के देखिए कि जितना अमाउंट पर डे उन वेजेस को दिया जा रहा है मिनिमम वेजेस एक्ट के थ्रू, क्या वो अमाउंट से उनका पूरा पर डे का लाइवलीहुड चल रहा होगा, बेहतर चल रहा होगा. तो सोचने वाली बात ये है कि वो भी ह्यूमन, उनको भी इक्वल राइट्स है इस अर्थ पे बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड गुजारने का. लेकिन हम लोग नहीं सोचते क्योंकि यहाँ पर जो बड़े लोग होते हैं ना, बड़े लोग इन द सेंस जो सेल्फिश हो जाते हैं, उनका प्रॉफिट मोटिव होता है, ह्यूमन मोटिव नहीं होता, वो इसी तरह का लॉज अप्लाई करते हैं. आगे Through making, enforcing and upholding these laws, the government cannot control the activities of individuals or the private companies so as to ensure social justice. तो बच्चों करना क्या है गवर्नमेंट को, उन लॉज को बनाना तो है, इन्फोर्स भी करना है, अपहोल्ड भी करना है, तभी जाके गवर्नमेंट ये एक्टिविटीज़ को सोशल जस्टिस कर पाएगी समाज के अंदर. मैनी ऑफ दीज लॉज हैव दियर बेसिस. जो ज़्यादातर लॉज हैं वो किस बेसिस पे बने हुए हैं, फंडामेंटल राइट के बेसिस पे. हमारे जो 6 फंडामेंटल राइट है उनके बेसिस पे ज़्यादातर लॉज बने हुए हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए. अब आप मुझे बताएंगे कि वो 6 फंडामेंटल राइट क्या क्या हैं. ठीक है, नाउ फॉर इंस्टेंस द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जो लॉ है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, हमारा फंडामेंटल राइट है, वो क्या कहता है, नो वन कैन बी फोर्स to work for low wages or under bondage. Similarly, the constitution lays down no child below the age of 14 shall be employed to work in any factory or mines or other hazardous employment. तो एक फंडामेंटल राइट हमारा है जो कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, वो ये कहता है कि कोई भी आदमी, कोई भी वर्कर कम वेजेस पे काम ज़बरदस्ती नहीं कराया जा सकता, उससे बॉन्डेज लेबर नहीं कराया जा सकता कि तुम्हें हमने इतना पैसा दे दिया, इस पीरियड में तुम्हें काम करना ही है, बॉन्डेज हो गया. आप अगर मेडिकल साइंस के अंदर जाके देखें तो वहाँ पे कुछ इस तरह के इंस्टेंस आपको देखने को मिल सकते हैं. यू कैन सर्च एंड यू कैन नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन इंडिया.
सो और एक कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि जो बच्चा 14 साल से नीचे का एम्प्लॉय कर रहा है किसी भी ऐसी फैक्ट्री में, माइंस में, जहाँ पे उसको नुकसान हो सकता है, हजार्डस हो सकता है, ये उसके ऊपर, उसके लंग्स पे इफेक्ट पड़ सकता है, तो उसको वहाँ से बचना चाहिए। तो लेकिन उसके बावजूद भी सारी प्रैक्टिस हो रही, तो क्या ये सोशल जस्टिस है? गवर्नमेंट के लॉज भी हैं और काम भी सारे चल रहे हैं। देख लीजिए आप, यहाँ पे देख लीजिए पिक्चर में, बच्चा ये चाय बेच रहा है, 14 साल से नीचे का है, ये बच्ची काम कर रही है। बच्चों, घर का काम भी तो उसके अंदर आ रहा है ना, आप इस काम को क्यों नहीं समझ रहा? ये भी तो घर का काम भी तो इस एज में बच्चे को नहीं करना चाहिए, यहाँ पे इसकी एजुकेशन की एज है, लेकिन नहीं समझ रहे। चले आगे देखते हैं क्या होता है। 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग 12 मिलियन बच्चे ऐसे थे इंडिया के अंदर 5 से 14 साल की उम्र के, जो हजार्डस काम कर रहे थे, ऐसा ख़तरनाक काम जो उनके लंग्स को नुकसान पहुँचा रहा था, ऐसी कंपनीज, सॉरी, फैक्ट्रीज में और माइंस में काम कर रहे थे। 2006 में गवर्नमेंट ने एक लॉ अमेंड किया, दैट वाज द चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट, और उन्होंने चिल्ड्रंस इसको बैन कर दिया कि 14 साल की उम्र के बच्चे, उससे नीचे के बच्चे या 14, वो किसी भी डोमेस्टिक सर्वेंट, ये घर वाला काम भी नहीं करेंगे, ढाबाज पे भी काम नहीं करेंगे, रेस्टोरेंट, टी शॉप्स में भी नहीं करेंगे, ठीक है। इट मेड एम्प्लॉइंग दीज चिल्ड्रंस ए पनिशेबल ऑफेंस, अगर ऐसा पाया गया तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस होगा जो भी उनसे ये काम करा रहा है। इवन कुछ चार्जेस भी लगाए गए, और फिर अदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अदर गवर्नमेंट से पूछा भी कि जो चिल्ड्रंस कहीं पर काम कर रहे हैं, हमें उनको रेस्क्यू करना है, रिहैबिलिटेट करना है, उनकी सिचुएशन को सुधारना है। और 3 गवर्नमेंट ने इसके लिए काम भी करना शुरू किया, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओके। अब बच्चों, भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में बात करते हैं। देखिए, 2 दिसंबर की रात 1984 में 12 बजे से एक लीकेज शुरू हुआ, ठीक है। अब ये 12 बजे के बाद 1 बजे तक जब लीकेज इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वहाँ के जो वर्कर्स थे उन्होंने इस गैस को स्मेल करके, उनको पॉइजनस गैस थी वहाँ पे, अभी मैं डिटेल में बताऊँगी आपको। तो एक्चुअल में क्या था, ये जो यहाँ पे यूनियन कार्बाइड है थी वहाँ पर भोपाल में, यहाँ पे एक पेस्टिसाइड प्रोड्यूस होता था। अब आपको पता है पेस्टिसाइड क्या होता है, हमने पढ़ा एनवायरमेंट वाले चैप्टर में, जो क्रॉप्स होती है ना, तो उन पे कुछ कीड़े आके, इंसेक्ट्स आके उनको खाते हैं, जो हमारी क्रॉप्स होती हैं। तो हम उन इंसेक्ट्स को बचाने के लिए, ताकि हमारी क्रॉप्स को नुकसान ना हो, वहाँ पे हम कुछ पेस्टिसाइड्स डालते हैं, और वो पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करते हैं, और उससे वो इंसेक्ट्स मर जाते हैं। तो ये बहुत जहरीला होता है, इसको बनाने के लिए एक जहरीली गैस का भी यूज़ किया जाता है, और उस गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये हाईली पॉइजनस गैस होती है। तो जिस प्लांट के अंदर, यूसी कार्बाइड प्लांट, यूनियन कार्बाइड प्लांट के अंदर ये बनता था, वहाँ पे 2 दिसंबर 1984 को ऐसा होता है कि रात में ये गैस लीक होना शुरू हो जाती है, और ये लीक होते होते 1 से 2 बजे तक सिचुएशंस लोगों की इतनी ख़राब हो जाती है कि वहाँ पे जो वर्कर्स, सॉरी, उसका जो हेड था, उससे बात करने की कोशिश की, उसने इग्नोर किया सारी सिचुएशंस को। और उसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या होता है। एक अजीज़ा सुल्तान है, उन्होंने, सर्वाइवर्स थी, बच गई थी, उन्होंने बताया बाद में कि 12:30 बजे जब मैं उठी तो मैंने कुछ आवाज़ें सुनी कि मेरा बच्चे को कफ हो रही है, बहुत बुरी तरीके से, बैडली कफ हो रही है। हाफ लाइट में, अंधेरी रात में, आई सो दैट द रूम वाज फिल्ड विद अ वाइट क्लाउड, पूरा धुएं से भरा हुआ है मेरा घर वाइट क्लाउड से। आई हर्ड पीपल शाउटिंग, के लोग चिल्ला रहते हैं भागो भागो। देन आई स्टार्टेड कफिंग, फिर मुझे भी खांसी होना शुरू हुई। ईच ब्रीदिंग सीम्स एज इफ आई वॉज ब्रीदिंग इन फायर, और हर एक कफ में मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं आग के अंदर ब्रीदिंग कर रही हूँ, सांस ले रही हूँ। माई आइज़ वर बर्निंग, और मेरी आंखें जल रही थी। तो ये आप देखिए, अजीज़ा सुल्ताना, इन्होंने अपनी ये बात बताई है कि ये सिचुएशन थी उस टाइम पे। विद इन 3 डेज, 3 दिन के अंदर 8,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स वर मैम्ड, और ज़्यादातर वहाँ पे वो हो गए, उनकी कंडीशन ख़राब हो गई, वो अपाहिज हो गए, यानी कि उनके बॉडी के जो पार्ट्स थे वो, उनको नुकसान हुआ बहुत ज़्यादा। मोस्ट ऑफ दोज एक्सपोज टू द पॉइजन गैस कैम फ्रॉम द पुअर, और ज़्यादातर लोग गरीब घराने के थे, वर्किंग क्लास फैमिलीज़ के थे। 50,000 से ज़्यादा पीपल्स आज भी वहाँ पे सिक फील कर रहे हैं उस सिचुएशंस को, आज भी 1984 से आज तक वो लोग इस चीज़ को फेस करते आ रहे हैं, क्योंकि वो गैस उनके एनवायरमेंट में घुल चुकी। अमंग दोज हु सर्वाइव, जो सर्वाइव भी करें, उनके अंदर सीवियर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो गया, आइज प्रॉब्लम हो गई, अदर डिसऑर्डर हो गया। अब आप देख सकते हैं, चिल्ड्रन डेवलप पैक्यूलर एबनॉर्मलिटीज लाइक गर्ल इन द फोटो, यहाँ पर आप देखिए क्या कंडीशन हुई है बच्चों की। तो बच्चों, इसके लिए कौन जिम्मेदार हुआ? ये जो यूनियन कार्बाइड के अंदर लोग इसको एक्सीडेंट कह रहे हैं, एक्चुअल में ये एक्सीडेंट नहीं था, इसको तो आप कह सकते हैं कि ये इंटेंशनल था। आई एम नॉट सेइंग, बट इट वाज जस्ट लाइक इंटेंशन, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो लॉज वहाँ पर बनाए थे, उन लॉज का इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हुआ, ठीक है, उन लॉज को वहाँ पे लगाया ही नहीं गया। जिस कार्बाइड प्लांट को उसके सोसाइटी के बीच में लगा दिया गया, और पता था कि ये पॉइजनस गैस से बनता है, वहाँ पे लोगों को सिर्फ इस वजह से गवर्नमेंट ने सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट दिया कि जॉब क्रिएट होंगी। अब आप सोचिए कि किस तरीके से ह्यूमैनिटी को बेचा जा रहा है,
ठीक है। तो यहाँ पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन आज तक इन लोगों को कोई वहाँ से फ़ायदा नहीं हो रहा है। अभी आप आगे भी देखेंगे किस तरीके से जो गैस के विक्टिम्स हैं, वो फैमिली के मेम्बर जिनकी फैमिली गुजर गई, चले गए वो लोग गैस के उसमें, तो यहाँ पे वो मिनिस्टर्स से अपनी दरख्वास्त लगा रहे हैं। और इवन आज तक अगर आप देखें तो उस केमिकल्स के बैग अभी तक भी यूसी प्लांट के बाहर रखे पड़े हुए हैं। ये अब आप सोच के देखिए कि क्या कंडीशन है इंडिया के अंदर। लोग जिनके फादर गुजर गए, मदर गुजर गई, वो आज भी इस इंतज़ार में है कि उनको जस्टिस मिलेगा। नाउ व्हाट इज़ वर्कर्स वर्थ। अब एक वर्कर्स की क्या औकात है, क्या लेवल है, क्या उसकी वैल्यू है, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इफ़ वी आर टू अंडरस्टैंड द इवेंट्स लीडिंग टू भोपाल डिजास्टर, वी हैव टू आस्क व्हाई डिड यूनियन कार्बाइड सेट अप इट्स प्लांट इन इंडिया। अभी यूनियन कार्बाइड प्लांट अमेरिकन फैक्ट्री है, तो ये इंडिया के अंदर इसने प्लांट क्यों बनाया, ये जानने की ज़रूरत है ना। सबसे पहला रीज़न, फॉरिनर्स कंपनीज इंडिया के अंदर आती हैं चीप लेबर के लिए। हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हमारे पास काम नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो हमें चीप लेबर, सस्ती मजदूरी मिल जाती है। वेजेस दैट कंपनीज पे टू वर्कर्स सेज इन द यूएसए, अगर हम यूएसए से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा वेजेस उनको मिलते हैं, फार हायर मिलते हैं जितना वे हमें इंडिया के अंदर पे करते हैं। हम लोअर पे में काम करते हैं, कंपनीज गेट लॉन्गर आवर्स, ज़्यादा लंबा काम करवाते हैं। एडिशनल एक्सपेंसेस एज सच एज हाउसिंग फैसिलिटीज़, वर्कर्स आर ऑल्सो फ्यूअर, ये सारी फैसिलिटीज़ भी उनको नहीं मिलती जनरली जो इंडिया के अंदर वर्कर्स से काम कर रहे हैं। वही सेम कंपनी यूएसए के अंदर जब काम करके आती है तो उनको हाउसिंग फैसिलिटी सारे ज़्यादा अमाउंट मिलता है, कम वर्क का काम होता है। दस कंपनीज कैन सेव कॉस्ट एंड अर्न हाई प्रॉफिट, तो इसीलिए अमेरिकन कंपनीज हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, इंडिया, बांग्लादेश, इन सारी कैम्बोडिया, इन कंट्रीज़ के अंदर आकर अपना काम करती हैं। कॉस्ट कटिंग, कॉस्ट काट लेती हैं, कैन ऑल्सो डन बाई द अदर मोर डेंजरस मीन। ये जो कॉस्ट कटिंग ये करते हैं, यहाँ पे किसका नुकसान हो रहा है, वर्कर्स का नुकसान हो रहा है, उनकी फैमिली का नुकसान हो रहा है, और इस बात को कोई नहीं समझने की कोशिश करता। लोअर वर्किंग कंडीशंस इंक्लूडिंग लोअर सेफ्टी मीजर्स, इवन उनको सेफ्टी मीजर्स भी नहीं मिलते। वो जो कॉस्ट कटिंग वो कर रहे हैं उनसे उनके सेफ्टी मीजर्स भी काट लिए जाते हैं, उनको इस तरह का कुछ भी नहीं दिया जाता कि वो अपने आप को सेफ भी रख सकें। यूसी प्लांट के अंदर एवरी सेफ्टी डिवाइस वॉज मेल फंक्शनिंग, मतलब जो सेफ्टी डिवाइस हैं भी कुछ वहाँ पर, वो मेल फंक्शनिंग है, वो काम ही नहीं करती, और वॉज इन द शॉर्ट सप्लाई, या फिर कम अमाउंट में है, शॉर्ट सप्लाई है उनकी। 1980 से 1984 के बीच में वर्क क्रूड फॉर द MIC प्लांट वॉज कट इन हाफ फ्रॉम 5-12 to 6 वर्कर्स। देखिए 1984 से 84 के बीच में, 84 के बीच में क्या हुआ, इन्होंने जो 12 घंटे का काम, 12 लोगों का काम था, वो 6 लोगों में कर दिया, तो यानी कि 6 लोगों पे काम बढ़ जाएगा। पीरियड जो था सेफ्टी ट्रेनिंग का वर्कर्स का, वह ब्रॉड डाउन 6 months to 12 months, मतलब जो 15 महीने की उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए थी वो 6 महीने में दे दी। द पोस्ट ऑफ द नाइट शिफ्ट वर्कर फॉर द MIC प्लांट वॉज एबोलिश, जो रात में उसकी सेफ्टी का ध्यान रखने वाला वर्कर्स था उसको भी एबोलिश कर दिया। तो आप सोच के देखिए एट द एंड करना क्या है इनको, कॉस्ट कटिंग करनी है अपना प्रॉफिट बचाने के लिए। अगर रात में कोई वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहा होता तो उसको पता होता ना, उसको ट्रेनिंग दी हुई होती कि अगर लीकेज होता है तो आपको ये करना, कितने सारे लोगों की जान बच सकती थी। सिर्फ एक पोस्ट को ख़त्म करके इन्होंने कितने लोगों का नुकसान किया, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। रीड द फॉलोइंग कंपैरिजन विद द यूसी सेफ्टी सिस्टम इन द भोपाल एंड द अदर प्लांट्स इन द यूएस। अब हम भोपाल के अंदर जो कि इंडिया के अंदर प्लांट है, यूसी प्लांट है, यूनियन कार्बाइड, और यूएस के अंदर प्लांट है, उसमें थोड़ा सा कंपेयर देखते हैं। वेस्ट वर्जीनिया जहाँ पे ये आपका यूएसए के अंदर कंप्यूटराइज्ड वार्निंग सिस्टम है, मॉनिटरिंग सिस्टम है, जबकि यूसी प्लांट इंडिया के अंदर मैनुअल गेजेस हैं, हम ह्यूमन सेंस करते हैं और जब गैस के लीकेज को डिटेक्ट करते हैं। वेस्ट वर्जीनिया के अंदर इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लांट्स है, जबकि इंडिया के अंदर ऐसा कोई प्लान एग्जिस्ट नहीं करता। इतने शार्प डिफरेंसेस क्यों हैं बच्चों? क्योंकि वन पार्ट ऑफ द आंसर लाइज दैट जो इंडियन वर्कर्स की वर्थ है वो बहुत कम है, यहाँ पे चीप लेबर मिलता है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, इतना गवर्नमेंट के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो दूसरी कंपनीज को, दूसरी कंट्रीज़ की कंपनीज़ को अलाउ करती हैं यहाँ पे काम करने के लिए, और वह हमारे इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। वन वर्कर्स कैन इजीली रिप्लेस अनदर, अगर एक आदमी काम करने से मना करता है कि भाई मुझे थोड़ा ज़्यादा पगार चाहिए, मेरी फैमिली ज़्यादा बड़ी है, तो नहीं मत करो काम, दूसरा रेडी होता है काम करने के लिए। देर इज़ सो मच अनएम्प्लॉयमेंट, देर आर मेनी वर्कर्स हु आर विलिंग टू वर्क इन अनसेफ कंडीशन, ज़्यादातर लोगों को पता है कि कितनी अनसेफ कंडीशन है, जान हाथ पे लेके वो काम करते हैं क्योंकि उनको अपनी फैमिली को करके खिलाना है। मेकिंग यूज ऑफ द वर्कर्स वल्नरेबिलिटी, एम्प्लॉयर्स इग्नोर सेफ्टी इन द वर्क प्लेस, इतनी वल्नरेबिलिटी होने के बावजूद भी वर्कर्स जो हैं वो इग्नोर करते हैं सेफ्टी को। दस इवन सो मेनी ईयर्स आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी, यहाँ पर रेगुलर स्पोर्ट्स एक्सीडेंट के मिलते हैं आपको,
mines mein, factories mein, due to the callous attitude of the employers. Now, enforcement of the safety laws. Safety laws को किस तरीके से enforce किया जाना चाहिए? जो law makers हैं, law बनाते हैं और उनको enforce कराते हैं, government is supposed to ensure that safety laws are implemented. तो government को ये ensure करना चाहिए कि जो safety laws हमने बनवाए हैं, वो implement हो गए या नहीं हुए. It is also the duty of the government to ensure the right of life. अब ये government की duty है कि right of life, जो कि fundamental right है under the Article 21 of the Constitution of India, उसका violation तो नहीं हो रहा. अब जब हम देखते हैं कि यूसी प्लांट के केस में क्या हुआ, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कुछ सेफ्टी लॉज थे इंडिया के अंदर, वो भी इलेक्स में थे, वर्क ही नहीं कर रहे थे. अगर पहली बात तो थे नहीं, और अगर थे भी तो वो वर्क ही नहीं कर रहे थे, इन्फोर्स ही नहीं थे. गवर्नमेंट ने, ऑफिशियल्स ने, जो ये यूसी प्लांट जब लगने के लिए आया इंडिया के अंदर, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया रिकॉग्नाइज करने से कि ये जो प्लांट है ना, ये हजार्डस नहीं है, और एकदम अलाउ कर दिया कि जल्दी से इसको पॉपुलेटेड लोकेलिटी में बना लो, जहाँ पे लोग रह रहे, बीच में लगा दो प्लांट, कोई मसला ही नहीं है. कुछ ऑफिशियल्स, म्यूनिसिपल ऑफिशियल्स भोपाल के, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि भैया इसका इंस्टॉलमेंट मत करो, MIC प्रोडक्शन का 1978 की ये बात है, इससे सेफ्टी वायोलेशन हो रहा है. लेकिन गवर्नमेंट की पोजीशन पर जो लोग थे, उन्होंने क्या कहा, नहीं नहीं नहीं, कंटिन्यू करो इन्वेस्टमेंट को, भोपाल के अंदर प्लांट लगना चाहिए, गवर्नमेंट ये जॉब्स प्रोवाइड करेगा. बच्चों, अनथिंकेबल प्रोसेस था, उन्होंने सोचा ही नहीं कि कितना नुकसान होगा. क्लीनर टेक्नोलॉजी के बारे में तो कोई ख्याल ही नहीं आया, सेफर प्रोसीजर तो हुआ ही नहीं वहाँ पे. गवर्नमेंट के जो इंस्पेक्टर्स थे, उन्होंने कंटिन्यू अप्रूव करते चले गए कि जो जल्दी से प्लांट्स लगा दो बस. एंड इट वाज सीरियसली रॉन्ग, उन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है. एक्सीडेंट तो मैं नहीं कहूँगी, इट वॉज इंटेंशनल, क्योंकि ये तो पता ही था कि ऐसा होना है कि अगर इस तरीके से लगेंगी चीज़ें तो नुकसान होगा कभी ना कभी जाके. दिस एज यू नो, अब आपको पता चल रहा है, इन कंट्री टू व्हाट द रोल ऑफ अ गवर्नमेंट लॉ मेकिंग एंड एनफोर्सर्स एजेंसी शुड बी, क्या एक रोल होना चाहिए, क्या एक्चुअल में उनका रोल है. इंस्टीड ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल्स, लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के बजाय वो लोग क्या कर रहे हैं, सेफ्टी वॉज बींग डिजार्डेड, उनकी जो सेफ्टी है उसको डिसरिगार्डेड किया जा रहा है, गवर्नमेंट के जरिए भी, प्राइवेट कंपनीज के जरिए भी. दिस इज ऑब्वियसली नॉट एट ऑल डिजायरेबल, ये एक्चुअल में डिजायरेबल नहीं था. जो इंडस्ट्रीज हैं जो कि सेटअप होती हैं लोकल से या फॉरेन बिजनेसेस इंडिया के अंदर, उनको ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लॉ होने चाहिए. लॉज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए नया लॉज बनाया गया, जैसे कि 1984 में आपका आया था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इसी के बाद ये आया था, इस पर मैंने पूरी वीडियो बनाई है, आप जाके देखें. तो बच्चे यहाँ पर आप देखिए कि उस दौरान जब ये यूनियन कार्बाइड में इंसिडेंट हुआ, तो वहाँ पे जो पंप्स थे, वाटर पंप्स, उन पे इस तरीके से रेड कलर करा दिया गया और कहा कि यहाँ से पानी मत भरो. लेकिन इन बच्चों के पास तो दूसरा कोई एक्सेस नहीं था, ये कहाँ जाएंगे पानी भरने, तो गवर्नमेंट ने कोई अल्टरनेटिव तो उनको दिया नहीं, लेकिन उनसे कह दिया यहाँ से पानी मत भरो. ये थोड़ी सॉल्यूशन होता है किसी भी चीज़ का. अच्छा, इस सारे इंसिडेंट के बाद गवर्नमेंट, एनवायरमेंट वाज ट्रीटेड एज फ्री एंटिटी, क्योंकि एनवायरमेंट को उन्होंने फ्रीली एंटिटी यूज किया था. उन्होंने कहा था, उन्होंने तो आगे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा दिया, एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस को पॉल्यूट कर दिया पूरा, वाटर को, बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के. क्योंकि कुछ ऐसा था ना कि आ जाओ तुम हमारे रिवर्स को गंदा करो, ग्राउंड वाटर को गंदा करो, हमारे पीपल्स को हेल्थ खराब होगी, हमें कोई मसला नहीं है. इसी तरह के तो लॉज थे. नॉट ओनली वाज़ द यूसी बेनिफिशियर, द लोअर सेफ्टी स्टैंडर्ड डिड नॉट हैव टू स्पेंड एनी मोर मनी टू क्लीन द पॉल्यूशन. अच्छा बच्चों, ये देखो कि जब ये इंसिडेंट हुआ, तो यूसी के जो बेनिफिशियर थे, जिनके लोगों की डेथ हुई थी जिन घरों में से, तो उनको तो चलो कुछ अमाउंट मिल गया, कुछ पैसा मिल गया. एनवायरमेंट को किसने क्लीन किया? किसी ने नहीं. उसको तो बिल्कुल ऐसे फ्री एंटिटी समझ के रखा हुआ है. नाउ द भोपाल गैस डिजास्टर, आफ्टर दिस डिजास्टर, द इश्यूज ऑफ द एनवायरमेंट फॉरफ्रंट पे आया. सेवरल थाउजेंड ऑफ पर्सन्स हुआ नोट. सोचो, लोग, सेवरल थाउजेंड लोग ऐसे थे जो इस फैक्ट्री से एसोसिएटेड भी नहीं थे, लेकिन वो भी ग्रेटली अफेक्टेड हुए इस पॉइजनस गैस की वजह से जो लीक हुई थी प्लांट से. It made people realize that the existing laws, though weak, only covered individual workers, not persons who might be injured due to industrial accident. अब आपको पता चला होगा कि इतने सारे लोग जो इस चीज से रिलेटेड भी नहीं है, वो भी इंजर्ड हो रहे हैं इस इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट से. इन रेस्पेक्ट टू दिस प्रेशर, इस प्रेशर की वजह से जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट थे, उन्होंने कहा कि अब इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस न्यू लॉज, अब आपको नया लॉज लाना पड़ेगा फॉर द एनवायरमेंट. हैंडसफोर्ड, इसके बाद आया द पॉल्यूटर्स वर टू बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द डैमेज डन टू एनवायरमेंट. तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि अब जो कोई एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगा, जो भी पॉल्यूटर होगा, वही रेस्पॉन्सिबल होगा, वही अकाउंटेबल होगा, जवाबदेह होगा. एनवायरमेंट इज समथिंग दैट पीपल्स ओवर जनरेशन विल शेयर. एनवायरमेंट एक ऐसी एंटिटी है जिसको हमें जनरेशन टू जनरेशन शेयर करना होता है. आज हम यहाँ से क्लीन एनवायरमेंट छोड़ के जाएंगे, कल हमारे बच्चों के काम आएगा. इट कुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड मेरली फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. ये सिर्फ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम से ही इसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. द कोर्ट ऑल्सो गेव ए नंबर ऑफ जजमेंट. कोर्ट ने भी बहुत सारे जजमेंट अपहोल्ड किए इसके लिए और कहा कि राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट, एक साफ सुथरे एनवायरमेंट में रहने का हक होता है इंसान का, और ये इंट्रिंसिक है, फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ का. जो राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के अंदर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसी के अंदर बताया गया है कि जो एनवायरमेंट है वो हेल्दी एनवायरमेंट पे रहने का हर इंसान का हक है. उन्होंने एक
ये केस बताया यहाँ पे सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991, और बताया कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द राइट टू लाइफ इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, कि सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ को एक फंडामेंटल राइट बताया है, ठीक है, आर्टिकल 21 के अंदर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नाउ. और ये भी बताया है कि जो एंजॉयफुल राइट है, मतलब पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट में इंसान को रहने का हक है. ओके, नाउ एनवायरमेंट इज अ पब्लिक फैसिलिटी. अगर आपसे कोई पूछे कि एनवायरमेंट किस तरीके से एक पब्लिक फैसिलिटी है, यहाँ पे हम कुछ देख लें इस पिक्चर में क्या लिखा हुआ है. Emissions from the vehicles are a major cause of the environmental pollution in series of rulings. 1991 onwards, Supreme Court has ordered public. अच्छा, ये क्या हो रहा है कि मतलब 1998 के बाद से Supreme Court ने ये कहा कि जो public transport है, vehicles है, वो diesel से ना चलके compressed natural gas से चलेंगे, जो कि एक cleaner है, मतलब उससे थोड़ा सा कम नुकसान होता है, cleaner fuel है ये कह सकते हैं Delhi के अंदर. तो उसके बाद से थोड़ा सा down हुआ, मतलब वहाँ का जो pollution तो थोड़ा सा down हो गया. लेकिन उसके बाद से क्या होता है बच्चों, नई report जब आती है तो उसने बताया कि highly toxic substances environment के अंदर आ चुके हैं, air के अंदर आ चुके हैं, atmosphere में आ चुके हैं. इसका क्या reason है? Due to the emission from the cars runs on the diesel. क्योंकि जो cars diesel पे काम कर रही है, diesel पे run कर रही है, उनसे emissions होता है, जो कि पेट्रोल्स पे रन नहीं कर रही. और एक शार्प इंक्रीज देखने को मिला इन द नंबर ऑफ कार्स ऑन द रोड. रोड पे भी इतनी ज्यादा लोगों ने कार खरीद ली है और उसकी वजह से मेजर पॉल्यूशन हो रहा है. एनवायरमेंट इज ए पब्लिक फैसिलिटी. किस तरीके से पब्लिक की फैसिलिटी है? रिसेंट ईयर अभी फिलहाल में हमने देखा कि कोर्ट्स हैव कम आउट विद स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स ऑन द एनवायरमेंटल इशू. दीज हैव समटाइम्स अफेक्टेड पीपल्स लाइवलीहुड एडवर्सली, कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे लॉज लेकर आई है जिससे एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा है, पीपल्स को की लाइवलीहुड को एडवर्सली नुकसान पहुंच रहा है. एग्जाम्पल के तौर पर Government directed industries in residential areas in Delhi to close or shift out the cities. देखिए बच्चों, गवर्नमेंट ने क्या किया, कोर्ट ने क्या किया कि अच्छा आपकी जो फैक्ट्री है वो सेंटर में है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, चले आप ऐसा करें लोगों को नुकसान ना हो. क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुआ था यूसी कार्बाइड का, उसके बाद अलग अलग एक्शन लिए गए. अच्छा चले लोगों को नुकसान ना हो, आप ऐसा करो बाहर बना लो, तो आप यहाँ पे बना लो फैक्ट्री, इधर बना लो. तो लोगों ने क्या किया, क्या नुकसान हुआ, उनकी जॉब चली गई, ठीक है. उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो माइग्रेट कर गए, यहाँ पर आ गए, फिर से यहाँ पर पूरे की पूरी वो लोग कॉलोनी बन गए इस तरीके से. तो फायदा कुछ हुआ नहीं, बल्कि उन्होंने गलत अल्टरनेटिव दिया. एक क्लीनर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, अलग अलग सेफ्टी मेजर्स लिए जाने चाहिए थे, उनको तो बिल्कुल अनदेखा कर दिया. व्हाइल द कोर्ट सेक्शन शोड वन प्रॉब्लम, इट क्रिएट अनदर. एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई, दूसरी शुरू हो गई. सेफ्टी कंडीशंस वर्कर्स की अभी भी अनएड्रेस थी. जो स्लम्स थे, अच्छा क्या होता है, एक दूसरे डोज की हम बात करते हैं. जब एनवायरमेंटल इश्यूज पे बात होती है तो हम नए कंसर्न्स लेकर आते हैं कि एनवायरमेंट बेहतर हो, नए नए प्लांट्स लगाएं. तो लोग क्या करते हैं, जो लोग स्लम्स एरियाज में रह रहे हैं, यहाँ पे फैक्ट्री है, यहाँ पे स्लम्स एरियाज में लोग, उनको हटा देंगे, क्लीन कर देंगे, जाइए आप, हम यहाँ पे पेड़ लगाएंगे. यार वो लोग कहाँ जाएंगे, उनको कहीं उनके लिए कुछ रिहैबिलिटेशन फैसिलिटी, कुछ अकोमोडेशन फैसिलिटी, कुछ नहीं. ब्यूटिफिकेशन सिटीज का ब्यूटिफिकेशन ड्राइव के लिए लोग ऐसा करते हैं. सोच के देखिए बच्चों की वो लोग क्या सोचते होंगे, क्या फील करते होंगे, उनके अंदर कुछ ह्यूमैनिटी रह जाएगी अगर आप इस तरीके से ट्रीट करेंगे. तो लॉज कुछ ऐसे होने चाहिए जो हमारी पूरी कंट्री का फायदा करें, ठीक है. सिर्फ रिलीजन के नाम पे लोग नहीं होने चाहिए, सिर्फ अपने ह्यूमैनिटी के नाम पे लोग होने चाहिए. चैलेंजेस टू लुक फॉर द सॉल्यूशन, एवरीवन कैन बेनिफिट फ्रॉम अ क्लीनर एनवायरनमेंट, वन वे दिस कैन बी डन बाय द ग्रेजुअली मूव द क्लीन. अच्छा कैसे ठीक किया जा सकता है, हम इतनी बातें कर रहे हैं, हमें ये भी तो बताया ना गवर्नमेंट को कैसे. अगर गवर्नमेंट को नहीं पता तो हम क्या कर सकते हैं, क्लीनर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड करें फैक्ट्रीज के अंदर, पॉल्यूशन जो हो रहा हो, जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो उसको फाइन दे ताकि वो कम से कम पॉल्यूशन करे. फैक्ट्री से इतना ज्यादा पानी हमारे रिवर्स के अंदर चला जाता है, सी के अंदर चला जाता है, हमें प्लास्टिक पॉल्यूशन इतना हो रहा है, लेकिन हम नहीं ध्यान देते क्योंकि हमें आने वाली जनरेशन की भी फिक्र नहीं है, हमारा एनवायरमेंट के ऊपर फेथ नहीं है. एक्चुअली बच्चों हम इंडियंस ऐसे लोग हैं जिनको एनवायरमेंट में सबसे ज्यादा फेथ होना चाहिए, क्योंकि 17th सेंचुरी से हमारे यहाँ पे जो बिश्नोईज हैं वो प्लांट्स को बचाते चले आ रहे हैं. हमारा बहुत सैक्रेड ग्रूव्स है इंडिया के अंदर, क्या आपने किसी और कंट्री के अंदर ऐसे देखा है? ऑफ कोर्स नॉट. तो इसीलिए हमें ज्यादा, हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम एनवायरमेंट को बचाएं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं, सिर्फ हमारा प्रॉफिट मोटिव होता चला जा रहा है. जो जितनी पावर पे आ रहा है उतना ज्यादा उसका प्रॉफिट मोटिव हो रहा है. नाउ तो इट वाज ऑल अबाउट दिस. क्या कंक्लूजन हमने निकाला, कि गवर्नमेंट का मेजर रोल होता है लॉज को बनाने में, एनफोर्स करने में, अपहोल्ड करने पे, अनफेयर प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करने में, सोशल जस्टिस लेकर आने के लिए अप्रोप्रिएट लॉज से कराए, ठीक है. और जो राइट टू हेल्थी एनवायरमेंट है वो इंटेंसिव है, राइट टू लाइफ का पार्ट है, उसके लिए इंसान